गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल विल बी फाइन स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कलेक्टिव नाउन किया था आई होप आप सभी को वो समझ में आया होगा और आपने उसके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे तो स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक प्रोनाउंस करेंगे और आप इस टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर करोगे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में हैंड राइटिंग में इसे राइट डाउन करोगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टॉपिक प्रोनाउन प्रोनाउन इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाजन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ तो सबसे पहले नाउन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मी अबाउट नाउन नाउन मीन्स संज्ञा नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं संज्ञा प्लेस थिंग एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड नाउन किसी पर्सन के नेम को किसी भी प्लेस के नेम को किसी भी थिंग वस्तु के नेम को क्या कहते हैं हम नाउन तो प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं और प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं सीधे एग्जाम्पल मोहन इज माई फ्रेंड मोहन स्टडीज़ इन द एथ क्लास देखो किसकी बात हो रही है यहाँ मोहन की मोहन क्या एक नाउन है सेकेंड सेंटेंस भी मोहन से रिलेटेड है कि मोहन मेरा फ्रेंड है मोहन एट्थ क्लास में पढ़ता है तो यहाँ भी मोहन की बात की गई है और यहाँ भी मोहन की बात मतलब एक ही पर्सन है ना सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल मोहन इज़ माई फ्रेंड ही स्टडीज़ इन द एथ क्लास देखो दोनों सेंटेंस सेम है बात किसकी गई है? की गई है इस सेंटेंस में मोहन की मोहन क्या एक नाउन है बट सेकेंड यहाँ पे मोहन के स्पेस प्लेस पे क्या राइट किया गया ही तो मोहन एक नाउन है ही प्रोनाउन है क्यों ही हमने किसके प्लेस पे यूज किया गया है किया है नाउन के प्लेस पे और मोहन एक बॉय है बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं ही और गर्ल्स के लिए क्या यूज किया जाता है शी तो सेकेंड सेंटेंस में मोहन को हमने रिपीट नहीं किया उसकी जगह पे हमने ही एज अ प्रोनाउन यूज़ किया है तो प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं देखो नेम ऑफ पर्सन ये नाउन है मोहन मोहन के लिए हमने ही वर्ड यूज़ किया है तो ही क्या है प्रोनाउन है तो नेक्स्ट क्या है अ प्रोनाउन में भी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि नाउन जो है सॉरी प्रोनाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ होगा नो no, वो एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है अ प्रोनाउन मे बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रोनाउन मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एग्जाम्पल आई लव टू ईट चाइनीज फूड अब देखो इसमें आए क्या है प्रोनाउन नेक्स्ट में ही इज द स्टार ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम ही क्या है प्रोनाउन अब स्टार्टिंग में जो यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं सब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट में जो आते हैं वो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स आई एंड ही ये एक प्रोनाउन है बट एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किए गए हैं सेकेंड क्या है देखो अ प्रोनाउन में भी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ड फॉर एग्जाम्पल आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग आई सब्जेक्ट है यू क्या है इसमें ऑब्जेक्ट आई भी एक प्रोनाउन है यू भी एक प्रोनाउन है तो देखो यू एक ऑब्जेक्ट हो गया आई क्या है सब्जेक्ट है यू क्या है ऑब्जेक्ट है तो सिंपल सी बात क्या है जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं नेक्स्ट है काइंड ऑफ प्रोनाउन् इसके काइंड्स क्या हैं प्रोनाउन्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन ओके पहला क्या है पर्सनल प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं अ पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ पर्सन देखो नेम से ही पता चल रहा है पर्सनल मीन्स पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं और एज एन ऑब्जेक्ट देखो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दोनों में ही यूज होते हैं तो पर्सन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं आई यू ही शी इट वई दे वेन अ प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट जब ये सब्जेक्ट की फॉर्म में हो आए एज अ सब्जेक्ट यूज होगा यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ हो सकता है ही एज अ सब्जेक्ट शी एज अ सब्जेक्ट इट वी दे ये सारे क्या हैं पर्सनल प्रोनाउंस बट ये एज अ सब्जेक्ट जब यूज़ किए जाते हैं जैसे नेक्स्ट मी यू मैंने आपको बताया यू एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज़ होता है हिम हर इट अस यू देम ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं और ये सभी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं आपको पता ही है आई किसके लिए यूज़ करते हैं यू किसके लिए यूज़ करते हैं ही शी किसके लिए यूज़ किए जाते हैं एज अ पर्सन तो ये कौन से नाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस प्रोनाउंस के आगे थ्री टाइप्स होते हैं मतलब पर्सनल प्रोनाउन के आगे कितने टाइप्स होते हैं थ्री फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं आई मी वी अवर अस एट्सट्रा ये सब क्या हैं फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल माई पेरेंट्स आर नोट एट होम तो अंडरलाइन वर्ड माए इसमें क्या है पर्सनल प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन जो माए है ये किस में आता है फर्स्ट पर्सन में यूज़ किए जाते हैं ये नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं यू योर एंड यगजाम्पल यू आर अ गुड बॉय देखो फर्स्ट पर्सन आई मतलब दो पर्सन के बीच में बात हो रही है मेरे और आपके बीच में तो आई मेरे लिए यूज़ हो गया तो मतलब फर्स्ट पर्सन यू मैंने आपके लिए यूज़ किया इट मीन सेकेंड पर्सन और हम थर्ड पर्सन के लिए दे किसी और के लिए यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ही वो गर्ल्स बॉयज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ही गर्ल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं हम शी दे प्लुरल नाउन में यूज़ होता है तो वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं थर्ड पर्सन में क्या आते हैं ही शी इट दे देम देयर एट्सेट्रा ही हैज़ अ काओ तो ही इसमें क्या है थर्ड पर्सन है ये भी प्रोनाउन लेकिन पर्सन में डिवाइड हो गई कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं अब नेक्स्ट टाइम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स इसका सेकेंड काइंड है ये अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज वैन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ये सेंटेंस के एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं ओके जैसे सब्जेक्ट में क्या हो गया माई इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया माई सेल्फ यू सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट योर सेल्फ ही हिम सेल्फ शी हर सेल्फ देस तो इसके अंदर यह आते हैं दे इंक्लूड माई सेल्फ योर सेल्फ हर सेल्फ देस ये एज अ ऑब्जेक्ट जब यूज किए जाते हैं ये कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इसका थर्ड काइंट है ये इट इज यूज टू आइडेंटिफाई नाउंस डेट मे बी फार और नियर जो पास और दूर की डिस्टेंस और टाइम को शो करते हैं वो कौन से प्रोनाउन होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स जैसे देर आर ओनली फोर ये सिर्फ फोर ही होते हैं जो आपने माइंड में रखनी है दिस दैट दिज दोज देखो दिस हम अपने पास के लिए यूज़ करते हैं दैट दूर के लिए दिज पास के लिए दोज दूर के लिए तो ये फार एंड नियर इन दोनों के लिए यूज़ होते हैं पास और दूर के लिए तो ये फोर हैं दिस दैट दिज दोर दिस इज़ माई बैग ये मेरा बैग है दैट इज़ माई बैग वो मेरा बैग है ओके okay. तो पास के लिए हम यूज़ करते हैं दिस और दूर के लिए हम यूज़ करते हैं देट सिमिलरली पास के लिए दिस दूर के लिए दोज नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बताते हैं जो सेंटेंस में मतलब एज अ कंजंक्शन जिसे हम कहते हैं जब ये टू सेंटेंसेज को कम्बाइन करते हैं बट एज अ रिलेशन कि पर्सन हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं टाइम हो तो क्या यूज़ करते हैं प्लेस हो तो क्या यूज़ करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन इट ज्वाइंस टू सेंटेंसेज ठीक है ये टू सेंटेंसेज को ज्वाइन करते हैं एंड रेफर टू द नाउन्स दट कम्स बिफोर दैम दे आर हु होम हु विच दैट देखो ये एज अ कंजेंशन होते हैं जो टू सेंटेंसेज में कम्बाइंड करने के लिए यूज होते हैं बट एज अब्जेक्ट एज अ प परसन देखा जाता है इसे कौन सा इसमें मतलब कि हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे जैसे ही इज़ अ बॉय अब देखो इसमें बॉय की बात की गई है ओके okay. बॉय इसमें एक नाउन है कि बॉय की ही क्या है प्रोनाउन है तो बॉय के लिए मतलब बॉय एक पर्सन है तो पर्सन के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे हु अब यहाँ प्लेस की बात हो तो यूज़ होगा वेयर टाइम की बात हो तो वेन यूज़ होगा तो ही इज द बॉय हु हैज़ वन अ प्राइस तो ये कौन सा प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखो नेम से ही आपको पता चल गया इंटरोगेटिव इट मीन्स डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड बट डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड भी इसमें वही सेम लेकिन यहाँ पे भी ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है ये टू सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहा है तो इसको हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे ओके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है इट इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन हु वट विच एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल हु विल सिंग अ सॉन्ग तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स में एज अ यूज हुआ है नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउंस इट इज़ यूज टू रेफ़र टू पीपल और थिंग्स इन जनरल मतलब इनडेफिनेट जिसमें हमें कोई भी डेफिनेट चीज़ नहीं है कि कितने पर्सन उसमें हैं ओके okay, कितनी थिंग्स हैं उसमें यह हमें डेफिनेट नहीं होता तो उसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं इसमें कॉमनली क्या क्या जाता है एनी वन देखो एनी वन मतलब कोई भी हो सकता है सम वन मीन्स कोई भी हो सकता है नन मतलब कोई भी नहीं ऑल मीन्स सारी सम मीन्स कुछ मैनी मीन्स जैसे ज़्यादा फ्यू मीन्स थोड़े बहुत तो कहने का मतलब इसमें रेफर नहीं है कि कितनी है कितने पर्सन हैं कितनी क्वान्टिटी है थिंग्स की तो इसको क्या कहते हैं इनडेफिनेट दीज प्रोनाउंस आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर तो आप ये चीज़ माइंड में रखोगे इसको एज अ सिंगुलर यूज़ किया जाता है एवरीबडी एन्जॉय द पार्टी देखो पार्टी में सभी ने एन्जॉय किया है ना डेफिनेट नहीं है कितने कितने थे लेकिन एवरीबडी मीन सभी के लिए यूज़ किया जाता है तो ये क्या होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन तो बेटा इसकी एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस आपको ब्लैंक दिए होंगे डैश इज़ माई स्कूल तो मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाए हैं कुछ तो आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे दिए हो सकते हैं डैश इज़ माई स्कूल कि मेरा डैश मतलब आपको फिल करना है कोई प्रोनाउन अब वो डैश के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा तो आप सबसे पहले चेक करोगे यहाँ स्कूल की बात की गई है पर्सन की बात नहीं है इट मीन्स तो यहाँ पे ही शी दे कुछ भी यूज़ नहीं होगा स्कूल की बात की गई है तो स्कूल के लिए हम यूज़ क्या करते हैं यू नो इट इट इज माई स्कूल ये मेरा स्कूल है ओके okay. अब देखो नेक्स्ट टाइम डैश हैव डन योर बेस्ट अब आप ये चीज़ चेक करोगे कि डैश हैव डन योर बेस्ट योर है तो मतलब इसमें कॉमन सी बात है यू की होगी अगर यहाँ मी आ जाता है एग्जाम्पल माए आ जाता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं आई देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने आई क्यों नहीं यूज़ किया आप सोच रहे हो कि हम मैंने यहाँ तो आपको कह दिया कि यहाँ योर आ गया तो आपने यू यूज़ कर लिया यहाँ माए था तो यहाँ पे आई क्यों नहीं था देखो स्कूल की बात की गई है यहाँ पे पर्सन की बात नहीं की गई थी ये मेरा स्कूल है है ना इट इज़ माई स्कूल आप बता रहे हो उसको तो पर्सन के लिए हम आई यूज़ करते हैं यहाँ पे पर्सन की बात की गई है डैश हैव डन योर बेस्ट यू हैव डन योर बेस्ट तुम अपना बेस्ट कर चुके हो नेक्स्ट है डैश प्ले डेली किसकी अब देखो यहाँ पे डैश प्ले डेली है तो पर्सन कोई भी हो सकता है हम ये नहीं कह सकते इसमें आई करेक्ट है मैंने आप इसमें आई राइट किया हो सकता है इसमें कुछ और भी करेक्ट हो देखो तो इसमें क्या ही और शी करेक्ट हो सकता है वैसे तो अकॉर्डिंग टू सेंस इसमें आ, कुछ भी हो सकता है क्योंकि आई ही शी यू कोई भी दे भी राइट कर सकते हैं है ना क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर की बात नहीं गई लेकिन आप ये चीज़ चेक करोगे अब यहाँ पे प्ले एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो फर्स्ट फॉर्म के आगे कभी भी ही और शी नहीं आता ठीक है फर्स्ट होम प्लस एस या ई एस अगर यहाँ प्ले के प्लेस पर प्लेज होता फिर यहाँ पर आई रोंग था तो फिर हम यहाँ क्या यूज़ करते ही क्योंकि ही शी इट इनके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट होम प्लस एस या ई एस तो इसी लिए यहाँ पर आई लेकिन आई के प्लेस पर आप यहाँ दे भी राइड कर सकते हैं यू भी राइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी कॉमन पर्सन के बारे में नहीं बताया हुआ आई प्ले डेली यू प्ले डेली है ना नेक्स्ट है हेल्प डैश इन सॉल्विंग द सम किसकी बात की गई है हेल्प मी मेरी हेल्प करो सम सॉल्व करने में ओके okay. तो इसलिए इसमें क्या आ गया मी दे आर डैश बैग्स ये किसके बैग है मेरे हैं माय बैग्स डैश इज़ द बुक देखो आप बता रहे हो मैंने आपको बताया ना दिस यूज़ फॉर नियर दैट यूज़ फॉर फार अब इसमें दैट इज़ द बुक भी हो सकता है दिस इज़ द बुक भी हो सकता है कोई भी करेक्ट है डैश इज अ ब्यूटिफुल ड अब यहाँ पे डॉल की बात की गई है तो इट आएगा ही आई मीन शी नहीं आएगा इसमें इट इज़ अ ब्यूटिफुल अगर यहाँ याद आता है डैश इज अ ब्यूटिफुल गर्ल तो क्या होता है शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल तब इट इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल नहीं आएगा क्योंकि गर्ल के लिए हम शी यूज़ करेंगे डॉल एक थिंग है थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इट इट इज अ ब्यूटिफुल डॉल डैश हैव पासड माई एग्जामिनेशन आई हैव पास देखो आई है देखो हाँ माई आ गया तो मैं अपने एग्जामिनेशन पास करूँगा ना अब यहाँ पे हम ये तो नहीं राइट कर सकते कि यू हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन है ना रोंग हो जाएगा कि तुमने मेरे एग्जामिनेशन क्यों पास किए मैंने तो अपने किए ना अब यहाँ पे माई की जगह पे अगर योर आता ना देन आप यहाँ इसमें यू राइट कर सकते थे अब यहाँ माई है इट कॉमन सी बात है यहाँ क्या यूज़ होगा आई आई हैव पासड माई एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट है वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री वही बात आ गई आवर की बात की गई है मतलब हमारी तो इसमें कॉमन सी बात है यहाँ वी आएगा हम यहाँ पे ही शी इट यू ये तो नहीं आ सकते ना आवर आ गया तो यहाँ पे वी आएगा वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री नेक्स्ट यू विल हर्ट योर सेल्फ अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया आपको बोला था एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है बट अब ये देखोगे यू से योर सेल्फ होता है ही इसका हिम सेल्फ शी का हर्ट सेल्फ होता है तो यू का योर सेल्फ ये क्या है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बेटा ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे एक एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको सॉल्व करके बताई हुई थी आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो आप इसकी जो भी प्रैक्टिस वर्क है जो भी बुक में इसकी एक्सरसाइज वर्क दिया हुआ है आप उसे अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करोगे और आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओगे और अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करोगे